शुक्रिया। हमें आज तक ये दो चम्मच बिरयानी का राज समझ नहीं आया। ये हमारी तंदुरुस्ती के लिए और ये हमारे दिल को बहलाने के लिए। तुम्हारी बातें तुम्हारी होने वाली बीवी को समझ आ जाए बस। वैसे तुमने अभी तक हमें उसकी फोटो नहीं दिखाई। मोहतरमा दिखती कैसी है? पता नहीं, आखिरी बार मैंने भी उसे तब देखा था जब वो 10 बरस की थी। तुम बिना देखे निकाह के लिए राजी कैसे हो सकते हो? मैं तो देखने के बाद भी राजी नहीं हो सकता। हमारे जैसे लोग निकाह नहीं कर सकते। मौत ही हमारी महबूबा है, उसी से इश्क लड़ाते हैं। वैसे भी अपनी जिंदगी के साथ कोई और जिंदगी को जोड़कर उसे बर्बाद नहीं करना चाहता। लेकिन वो छोड़ो, टेल मी वन, क्या बात करने आई थी? फिर से मेरे दोस्त के साथ झगड़ा किया? दिखाई नहीं दे रहा? मतलब याकत ने तुम्हें भी फोन नहीं किया? इसका मतलब हमारी परेशानी बेवजह नहीं थी। कहीं कुछ गलत जरूर हुआ है। लियाकत ने हमें 3 दिन से कोई खैर खबर नहीं दी है। हम जानते हैं कि वो किसी अनऑफिशियल मिशन में है, लेकिन फिर भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि लियाकत हमसे 3 दिन तक बात न करे। हमसे झगड़ा भी हो जाता है तो भी वो तुम्हारे जरिए हम तक अपनी खैरियत की खबर भिजवाई देते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने तुम्हें भी कुछ नहीं बताया। उच्च शरीफ में वैसे ही इतने दंगे फसाद हो रहे हैं। हमें तो बेहद फिक्र हो रही है। तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक होगा। लियाकत को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। बचपन से जब वो खुद परेशान होता है तो सारी दुनिया को उसी परेशानी बांट देता है। फिक्र मत करो। वैसे भी मैं लाहौर जा रहा हूँ, उच्च शरीफ होते हुए जाऊंगा, अपडेट्स देता रहूंगा। उच्च शरीफ में लियाकत से ही सलामत हो।
आएगा, वो तुझे नहीं छोड़ेगा। वो आएगा। ऐसा कैसे हो सकता है शेख साहब? वो लोग मेरे सामने ही उस लड़की को यहाँ से लेके गए थे। वो सब हमको नहीं मालूम होए। हम तो इतना जानते कि हमारे पास दो क्या, एक भी छोकरी इधर नहीं पहुंचा। शेख सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन धोखा कभी नहीं बर्दाश्त कर सकता है। वो छोकरी अगर कल शाम तक नहीं पहुंचा तो इसका अंजाम तुमको मालूम है कि क्या होगा। क्या हुक्म नहीं बेगम साहिबा? वो ट्रक वहां पहुंचा क्यों नहीं? दरअसल ट्रक जाकर के कश्मीर में एक्सीडेंट हो गया है, पूरा गाड़ी चनाब में जाके गिर गया है। क्या? और उन लड़कियों का क्या हुआ जो उस ट्रक में थी? जब ट्रक ही नहीं रहा तो लड़कियां कहां बचेगी? तुम्हें उनकी लाश मिली? कैसी बात कर रही है बेगम साहिबा, जनाब से अब तक कोई लाश मिली है जो अब मिलेगी? मुझे नहीं लगता कि वो लड़कियां बची होगी। तुम्हें क्या लगता है क्या नहीं लगता है इसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे उन लड़कियों की मौत के पुख्ता सबूत चाहिए। सबूत मिल जाए तो फोन करना, वरना अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर देना। नहीं सनम, नहीं सनम, नहीं सनम, तुम दोनों ऐसे बौखलाए हुए क्यों? किसी जिन को देख लिया है क्या? जिन ने तो देख लिया, नीचे पुलिस आई है और उनको सनम का मोबाइल मिल गया। तुम नाम क्या है तेरा? कुछ नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। सिंदूर? ये तो शादीशुदा है, कहां है तेरा खाविन? बता नहीं तो करी। मुझे कुछ नहीं पता। बता यहाँ तक ना क्या कर रही है। मैं बात ही खून गोली मार दिया उसने। अजान इंस्पेक्टर साहब, ये फोन तो मेरी सनम का, आपको कैसे मिला? एक कूड़ा बीनने वाले लड़के को मिला था टोल नाके के पास। सनम, जब उसने इसे ऑन किया तब हम इसे ट्रेस कर पाए। सनम ने काफी कॉल्स किए थे आप, और एक मैसेज भी, शायद वो मैसेज नहीं मिला। और हाँ, एक अननोन नंबर भी है। अननोन नंबर? उस अननोन नंबर से कई कॉल्स आई हैं सनम के फोन पर। आप बता सकते हैं? एक सेकंड, मैं दिखाता हूं। ये
नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं इस नंबर को नहीं पहचानता। जहां से ये फोन मिला है मैं वहां पता करने की कोशिश करता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आप जिससे पूछना है, जो कुछ पूछना है वो आप जाने। मुझे सिर्फ इतना पता कि सनम मेरे पास नहीं है, मेरे साथ नहीं है। इंस्पेक्टर साहब प्लीज उसे ढूंढिए। डोंट वरी मिस्टर आई, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं चलता हूँ। थैंक यू। से झूठ क्यों कहा था तुमने? क्या क्या बोल रहे हैं? सनम ने क्या कहा था तुमसे घर छोड़ने से पहले? मैं आपको बता चुकी। फिर से बताओ। I said, say it again. ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? झूठ बोलने वालों के साथ ऐसे ही बात की जाती है? क्या कहा था तुमने मुझसे कि सनम वो पेपर्स देकर इतनी नाराज है कि वो मुझसे कभी बात नहीं करती? यही कहा था तुमने? यही कहा था कि नहीं? तो फिर उसने मुझे इतने सारे फोन कॉल्स क्यों किया? इसका मतलब वो मुझे कुछ कहना चाहती थी। उसने मुझे एक मैसेज भी भेजा, मम्मी, लेकिन तुमने झूठ बोला मुझसे। बताओ क्यों झूठ बोला? बताओ क्यों झूठ बोला? सनम, आई से स्पीक अप। अगर मेरी सनम को तुम्हारी वजह से कुछ भी हो गया, सनम, मैं पहले समझ जाना चाहिए था मुझे कि अगर सनम मुझसे इतनी नाराज होती तो वो अपना सामान लेकर क्यों जाता? सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं ही बेवकूफ था जो तुम्हारी बातों पर। झूठ की आंखों में इतनी ताकत नहीं होती कि वो हकीकत से नजरें मिला सके।
तुम्हारी वजह से मेरी सनम यहां से गई, तुम्हारी वजह से मेरी सनम मेरे पास नहीं है। अब तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। Get out of my house. I said get out of my house. अखिल जी, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? अखिल जी, आप क्या कर रहे? मेरी बात तो सुनिए, ये दर्द हो रहा है। अखिल जी, अखिल जी, वो तो हमारा आदमी है, उसको किसने मारा? बोल, किसने किया उसका कत्ल? तो तूने कत्ल होते हुए देखा है? मैंने नहीं। बता उसका कत्ल किसने किया? मुझे नहीं मालूम। भाईजान, ये उस तरफ से है, अगर ये एक मारेंगे तो हम दस मारेंगे। और शुरुआत इससे। रुक जाएगी तो आसान मौत देंगे, नहीं तो। अल्लाह ना कि सनम किसी मुसीबत में हो, नहीं तो भाई सुबह खुदा तुम्हें सजा दे, उसके पहले मैं तुम्हें नहीं बख्शने वाला। अंडरस्टैंड दैट? एक इंसान अपने काम से जाना जाता, उसकी इज्जत उसके काम से होती, और जो तुमने किया है उसके बाद मेरी आंखों में तुम्हारी इज्जत रत्ती भर तक की भी नहीं। मुझे पहले लगता कि तुम मेरी अम्मी की चाल का शिकार हो, लेकिन जो हरकत तुमने की है उसके बाद मेरी बीवी बनना तो दूर की बात, मेरी हमदर्दी के भी काबिल नहीं हो तुम। तुम्हारी वजह से सनम यहां नहीं, तुम्हारी वजह से मेरी सनम मेरे पास नहीं। अब तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं। Get out from here! आहिल जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आहिल जी, मैंने जो किया अपनी मोहब्बत के लिए किया। मैं सनम को आपकी जिंदगी में कभी वापस नहीं आने दूंगी, और ना ही आपको उसकी यादों में मरने दूंगी, क्योंकि आप मेरे, सिर्फ मेरे। और आप मुझे बीवी का दर्जा जरूर देंगे। आहिल जी, आपने मुझे जिन हाथों से धक्की मार के इस घर से निकाला, आज रात खत्म होने से पहले आप मुझे उन्हीं हाथों से गोद में उठाकर वापस लाएंगे।